तो हरियाणा जीके की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखना और लास्ट में अपने कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही पाए गए हैं। आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी तैयारी अपनी कर रहे हैं और कितना अपने फोकस करने की और आवश्यकता है। अभी हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था? इसका तो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, ज्योतिषर में। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हरियाणा। पंडित प्रसाद शर्मा ने रेवाड़ी में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, ज्योतिष। हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पंचकुला, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, झज्जर, बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, पंचकुला और फरीदाबाद जो हैं हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला ज़िले हैं। हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर स्थापित है बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन, टोहाना उपमंडल में। टोहाना उपमंडल में लकड़ी का विकल्प जो तैयार करने वाला जो न्यू वुड लकड़ी उद्योग है उसको स्थापित किया गया है। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाब के नगर के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, कैथल को जाना जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि भाई आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही पाए गए हैं। बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है बताइए दोस्तों। बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हैं जिनका संबंध जो है वो हरियाणा से है? तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन भी दिया गया है, बी और सी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दिया गया है तो दोस्तों आप उसको भी जो है टिक मार्क कर सकते हैं। अगर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं और इसके साथ ही ये सभी भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन देने के बाद जो चौथा ऑप्शन है वो सभी दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई कौन सा इसका राइट आंसर है, यानी कि तीनों इसके ये सही हैं ऑप्शन, तो इसका डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर। राम कौर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था? राम कौर का जो संबंध है वो हरियाणा के किस शहर से था? तो जींद, अलवर, छछोली, कैथल, बताइए दोस्तों कहाँ से था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी ऑप्शन, छछोली, छछरौली। राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है बताइए दोस्तों। राजपूती की जो ढंग की जो पगड़ी है वो क्या कहलाती है? इसका तो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, पाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी कब जो है प्रकाशित की गई थी, यानी कि कब उस फिल्म को जो रिलीज है वो किया गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, वर्ष 1970 में उसको रिलीज जो है वो किया गया था, हरफुल सिंह जाट। ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों वर्ष 1970 में कौन सी फिल्म जो है उसको प्रकाशित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हरफुल सिंह जाट जुलानी जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा, क्योंकि HSC किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकती है। आपने क्वेश्चन को समझना है उसके बाद ही उसका जवाब जो है आपने देना है, इनको रटना नहीं है दोस्तों। अपने रटने से आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत के प्रतिनिधित्व किसने किया था तो बताइए दोस्तों किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, बाबू श्याम लाल। सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि जो है वो कब दी गई थी? कौन से वर्ष में जो है
सर शादीलाल को जो है राय बहादुर की जो उपाधि है वो दी गई थी। इसका जो तो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी ऑप्शन, वर्ष 1909 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों वर्ष 1909 में किसको उपाधि जो है वो दी गई थी, तो इसमें राय बहादुर की उपाधि जो है वो किसको दी गई थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सर शादीलाल आंसर रहेगा आपका उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपल संगीत का संबंध किस विद्या से है? तो बताइए दोस्तों, एचपल जो संगीत है उसका जो संबंध है वो किस विद्या से है? तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये तीनों ऑप्शन ही आपके सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलोहिनी गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पंडित हरि पुण्य नयरतन। निम्न में से हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंध नहीं है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी ऑप्शन, छाजूराम शास्त्री। आपने क्वेश्चन को जरूर समझना है दोस्तों, उसके बाद ही आपने जवाब देना है। फिलहाल हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही पाए गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, वीडियो अंत तक भी ज़रूर देखना, क्योंकि सीईटी अब की बार बहुत ही कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। काफ़ी संख्या में जो इसमें अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, करीबन 12 लाख के करीब जो है अब की बार लोग तैयारी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? सबसे पहले क्वेश्चन को आपने समझना है, निम्नलिखित में से किस योजना का जो संबंध है वो महिलाओं से है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन। हरियाणा के गुरुग्राम जिले का लिंग अनुपात कितना है? दोस्तों अब गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, ये तो आप सभी को भी पता है, लेकिन शायद एचएससी के भी काफ़ी क्वेश्चनों में अभी भी गुरुग्राम गुड़गांव ही आता है, तो ये आप देख लेना। हरियाणा के गुड़गांव जो ज़िला है उसका लिंग अनुपात कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों डी ऑप्शन है, 854। अगला क्वेश्चन है आपका, रूपचंद शतक रचना के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, रूपचंद शतक रचना के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। सबसे पहले तो काफ़ी जो कवि होते हैं वो अपने नाम से ही अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं रूपचंद जो है इसमें भी दिया गया है आपका, इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपने पीछे देखा होगा हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए थे। तो हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी जो है वो कब मनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार जो है वो स्थित है, यानी कि कौन सा राजमार्ग है जिसमें हिसार जो स्थित है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कौन से राजमार्ग पर हिसार स्थित है? दोस्तों राजमार्ग पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करना एक बार। शायद काफ़ी साथियों को अभी भी नहीं पता होगा कि कौन कौन से राजमार्ग पर कौन सा जो ज़िला है वो स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है NH 10। NH 10 जो है अपना नेशनल हाईवे, इस राजमार्ग पर जो है हिसार स्थित है। और अब तो दोस्तों NH 52D जो बनाया गया है इसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि हरियाणा में NH 52 जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरता है और कहाँ से लेकर कहाँ तक है और इसकी लंबाई कितनी है, और लगभग दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इसको बनाने में कितना जो खर्च है वो आया है, और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको अगली बार CET की परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं, तो आप इसको भी साथ साथ कवर ज़रूर करें। सत्यवान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, शालुकिनी।
सालुकिनी के नाम से जो है सत्यवान को प्राचीन में नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसका जो संबंध है वो हरियाणा राज्य से है? तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि हीरा सिंह भी, बाबूल, दयाल शर्मा, कल्पना चावला, ये सभी हरियाणा से ही हैं। हरियाणा में पहली योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? जो हरियाणा में पहली जो योजना थी वो कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 1 वर्ष के लिए ही जो है पहली योजना को लागू किया गया था। देखा गया था कि भाई इस योजना से, या फिर अगर योजना आती हैं तो इनसे कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है। तो 1 वर्ष के लिए ही पहली योजना को जो है हरियाणा में लागू किया गया था। प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, हरियाणा के किस नगर में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो है बी ऑप्शन, मानेसर में जो है ये जो वृक्ष है वो स्थित है। निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? और पृथ्वीराज द्वितीय अभिलेखन हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हांसी, डी ऑप्शन। हरियाणा सरकार द्वारा कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर में प्रवाह कर रहे हैं, हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उन्हें कितनी जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो परिवार हैं और जो हरियाणा में रह रहे हैं, तो सरकार के द्वारा उनको कितनी राशि जो है वो प्रदान की जा रही है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन, 1,000 रुपये। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की थी? हरियाणा सरकार के द्वारा जो है वो नई उद्योग नीति को कब लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में जो है हरियाणा सरकार के द्वारा नई उद्योग नीति जो है उसको लागू किया गया था। बाबा रामदेव हरियाणा के किस जिले से संबंध है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, महेंद्रगढ़ से हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हरियाणा नॉन बायो डिग्रेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी ऑप्शन, 1998 में इसको जो है लागू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, मथुरा समाचार पत्र कैसा पत्र था? दैनिक, साप्ताहिक, या फिर मासिक या पाक्षिक? बताइए दोस्तों किस प्रकार का जो समाचार पत्र था, कि हर रोज़ आता था, या फिर सप्ताह में एक बार, या महीने में, या 6 महीने में, कितने दिनों में एक बार जो है समाचार पत्र यह आता था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन, सप्ताह में, 1 सप्ताह में जो है इस समाचार पत्र को जो है जारी किया जाता था। हरियाणा में सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? कौन से वर्ष में दोस्तों इसको शुरू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन, 1998 से लेकर 1999 में। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा के कौन सा क्षेत्र आता है? दिल्ली जो एनसीआर है उसके अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, सॉरी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रोहतक, जींद, सॉरी रोहतक, झज्जर और जींद, सॉरी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रोहतक, झज्जर और मेवात, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया दोस्तों, शायद HSC पुराने डाटा को ही उठाए। एक बार आप नए डाटा को भी ज़रूर रीड कर लेना, क्योंकि HSC इतना एक्टिव नहीं रहती है कि भाई जो करंट अफेयर है उसको ही उठा कर दे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लेना, क्योंकि जो NCR वाले जो ज़िले हैं हरियाणा के साथ लगते थे उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिस प्रकार से चरखी दादरी को भी NCR से हटा दिया गया है, इन और भी अन्य जो ज़िले हैं उनको भी NCR से हटा दिया गया है। कुछ ज़िले हैं ऐसे हैं जिनको इसमें NCR में ऐड कर लिया गया है, तो आप एक बार उसको भी ज़रूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल में वह को किस नाम से जाना जाता है? भरा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन काल
काल में दोस्तों इसको ब्रा जो है इसको बहरा के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य की स्थापना किस किस सिफारिश पर की गई थी? जो हरियाणा राज्य जो है इसकी स्थापना किस किस सिफारिश के द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, सरदार हुकम सिंह के सिफारिश के द्वारा की गई थी। हरियाणा के किस शहर में नवोदय विद्यालय स्थित है? तो आपने नवोदय विद्यालय के बारे में काफ़ी बार सुना भी होगा, तो एक हरियाणा में कहाँ पर जो है वो स्थित है दोस्तों? ये टीटाराम जो है कैथल में, ओढ़न सिरसा, देवराड़ा भिवानी, ये सभी जो तीनों हैं ये राइट आंसर हैं इसकी। नाक का छिद्र द्वारा एक आभूषण जिसे खिया धारण करती है उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं और आपने पीछे भी देखे होंगे, हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक भर्ती के पेपर में, एचएससी के द्वारा जितने भी भर्तियों के पेपर करवाए जाते हैं उनमें सभी में देखने को आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, पुरली। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व हरियाणा में कौन से गणराज्य थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किन दो जिलों में जिला अस्पतालों को गुणवत्ता अनुसार पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 और 11 में जो है पॉलिटेक्निकल में तब्दील कर दिया गया था, पॉलिटेक्निकल में तब्दील कर दिया गया था इनको? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ए ऑप्शन, सोनीपत और भिवानी जिले के। प्राचीन शिव मंदिर कहाँ बाबा ठंडापुरी की समाधि है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन। तो दोस्तों टोटल हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।